ये न्यूज़ हमारी रिलेटेड टू अगेन रशिया यूक्रेन इशू से ही है जेनेवा कन्वेंशन की बात है ठीक है देखिए जैसे जैसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कैजुअलिटीज का सिविल पॉपुलेशन के आहत होने का जो ताता है जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहा है और ये सब कुछ जो है ये पूरी दुनिया को जेनेवा कन्वेंशन की तरफ देखने के लिए जो है रुख कर रहा है ठीक है जेनेवा कन्वेंशन में कुछ गाइडलाइंस थी जो कि वॉर टाइम से रिलेटेड है उनकी तरफ इशारा कर रहा है तो देखिए क्या था यहाँ पर यहाँ पर सेट ऑफ फोर ट्रीटीज थी जिसे फॉर्मलाइज किया गया था 1949 में ठीक है और एडिशनल कुछ प्रोटोकॉल्स भी थे जिसे कोडिफाई किया गया था या वाइडली एक्सेप्ट किया गया था एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट को लेकर के जो कि वॉर की, की वजह से जिन्हें इम्पैक्ट हुआ हो जिन्हें हानि पहुंची हो ठीक है जो फोकस था इस कन्वेंशन का वो बेसिकली दो तीन चीजों पर था सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कॉम्बिटेंट्स था प्रिजनर्स ऑफ वॉर या नॉट द यूज ऑफ कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स पर ये गाइडलाइंस हमारी मिली जेनेवा कन्वेंशन से ठीक है समझते हैं कि वो क्या थे चार कन्वेंशन या चार जेनेवा कन्वेंशन सबसे पहला जो था हमारा वो हेल्थ और मेडिकल इश्यू को लेकर के था यहां पर बताया गया कि इट विल प्रोटेक्ट वेड एंड सोल्जर्स ठीक है ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर दूसरी चीज ये कन्वेंशन एक्सटेंड करता है मेडिकल और रीजनल पर्सनल या मेडिकल यूनिट्स को मेडिकल ट्रांसपोर्ट को और इट हैज टू एन कंटेनिंग अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट जिसमें कि चीजें लिखी थी रिलेटेड टू हॉस्पिटल जोन्स मॉडल आइडेंटिटी कार्ड्स मेडिकल रिलीजियस पर्सनल की ठीक है दूसरा सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन जो था ये ऑफशोर प्रोटेक्शन से रिलेटेड था यहां पर बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ वेड एंड सिक शिप रेड मिलिट्री पर्सनल जो कि सी uh, के उस पर मिले ड्यूरिंग वॉर ठीक है दिस कन्वेंशन uh, ये जो पूरा कन्वेंशन है ये एक्सटेंड करता है टू द हॉस्पिटल शिप्स और मेडिकल ट्रांसपोर्ट्स बाई द सी के लिए तीसरा कन्वेंशन जो था वो था अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड दिस अप्लाइज टू द प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो भी लोग बंदी बनाए गए थे वॉर के दौरान उन पर और यहाँ पर इंक्लूड करती है वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शंस जैसे कि ह्यूमन ट्रीटमेंट हो गया मेंटेनेंस हो गया इक्वालिटी अक्रॉस प्रिजनर्स हो गया कंडीशंस ऑफ कैप्टिविटी हो गए क्वेश्चनिंग और इवैक्यूएशन ऑफ प्रिजनर्स हो गए ट्रांजिट कैंप्स हो गए उनके खाने पीने रहने कपड़े लत्ते मेडिसिन हाइजीन राइट टू रिलीजियस ठीक है इंटेलेक्चुअल फिजिकल एक्टिविटीज इन सभी चीज़ों से रिलेटेड था और फोर्थ जेनवा कन्वेंशन था सिविलियन प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई वो चार कन्वेंशन कौन कौन से थे और इनमें से किसी एक का नाम या तो इंटरचेंज कर देगा या तो हटा देगा और आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा तो ये समझ लेना कि चार चार कौन कौन से हैं पहला हेल्थ और मेडिकल पे है दूसरा ऑफशोर पे है तीसरा बिजनेस से है और चौथा सिविलियन प्रोटेक्शन से है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और चीजें जानेंगे कि भाई जो फोर्थ जेन, जेनेवा कन्वेंशन है वो कितना एक्सटेंट है तो देखिए अलोंग दी एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन था हमारा ये कुछ चीजों के बारे में हमसे बात करता है सबसे पहला है जनरल प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट सर्टन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ वॉर ठीक है जो कुछ वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके अगेंस्ट वो हमें प्रोटेक्शन देगा दूसरी बात वो करता है कंडक्ट ऑफ हॉस्टाइल्स एंड स्टेटस के नाम पर और तीसरी चीज करता है प्रोटेक्ट पर्सन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन जो भी लोग बचाए गए हैं रेस्क्यू किए गए हैं उनकी ट्रीटमेंट पर और चौथी चीज है इट डिस्टिंग्विशेज बिटवीन सिचुएशन ऑफ फॉरिनर्स ऑन द टेरिटरी ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट टू दैट सिविलियन इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी ठीक है ये पूरा कन्वेंशन जो है ये स्पेल आउट करता है हमें ऑब्लिगेशंस जो कि ऑक्यूपाइंग पावर के पास होती हैं सिविलियन पॉपुलेशन के और आउटलाइन करता है डिटेल्ड प्रोविजंस के बारे में भी जो कि होने चाहिए अप्लाई किए जाने चाहिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को ध्यान में रखते हुए ठीक है कौन कौन से देश इसमें सिग्नेटरी हैं तो जेनेवा कन्वेंशन जो है वो रेटिफाइड किया गया है टोटल वन देशों द्वारा ठीक है जिनमें की सारे के सारे यूएन मेंबर्स हैं और तीन प्रोटोकॉल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं 174, 169 और 79 स्टेट्स के द्वारा रेस्पेक्टिवली ठीक है चलिए थोड़ा सा और इसको समझेंगे कि रशिया का क्या लेना देना है अब इस कन्वेंशन से तो देखिए 2019 में एंटिसिपेट किया गया एक पॉसिबिलिटी को कि आ, रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है आने वाले टाइम में ठीक है हालांकि रशिया ने इस टाइम पर विड्रू किया था अपना डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 90 ऑफ प्रोटोकॉल वन इसको विड्रॉ करते हुए इस डिक्लेरेशन को विड्रॉ करते हुए रशिया ने ये प्री एमटिवली जो है छोड़ दिया था ये चीज सबके सामने कि भाई यहां पर ऑप्शन है टू रिफ्यूज दी एक्सेस बाय एनी इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू रशियन एंटिटीज ठीक है नॉट विदड्रॉइंग अगर यहां से रशिया ने नहीं विदड्रॉ किया होता तो रशिया को जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता कि उसने इन कन्वेंशन की जो जो मापदंड है जो प्रोटोकॉल है उनको वॉयलेट किया है ठीक है फर्दर क्या हुआ जो फोर कन्वेंशन यहाँ पर बात की गई हैं और जो पहले दो प्रोटोकॉल्स हैं जेनेवा कन्वेंशन के उनको रेटिफाई किया था सोवियत यूनियन ने न कि रशिया ने ये ध्यान रखना है कि सोवियत यूनियन ने उनको रेटिफाई किया था रशिया ने नहीं किया था इसलिए वहाँ पर एक हमेशा रिस्क रहता है रशियन गवर्नमेंट का कि वो डिसवॉविंग कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडर दिस कन्वेंशन तो अब इसके बाद मुद्दा आता है कि टू तो व्हाट एक्सटेंट कितनी हद तक जेनेवा कन्वेंशन को अपहेल्ड किया जाएगा वर्ल्ड वाइड इन दी रिसेंट ईयर्स तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो नोट करता है वो ये बताता है कि एक ब्लेट डिसरिगार्ड फॉर सिविलियन प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो देखा गया जहां पर चार में से पांच परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पार्टीज हैं ठीक है स्पेसिफिकली अगर हम एमनेस्टी को हम बात करें तो वो कौन कौन से वो करता है देखिए सबसे पहले तो यूएस लेड कॉलेशन है जो कि बॉम्बिंग ऑफ राका हुई थी इन सीरिया में जिसके तहत 1600 सिविलियंस डेड हुए थे दूसरी चीज डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ लाइफ्स इन एलिपो और इदिप बाय रशियन फोर्सेस तीसरी चीज लीडिंग टू मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस और चौथा हुआ वॉर इन येमेन जहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई द्वारा जो फोर्सेस थी वो थी और उन्हें बैक किया था बाय द वेस्ट और यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो ये था कि इट हैड किल्ड एंड इंजर्ड थाउजेंड ऑफ सिविलियंस ठीक है और ब्लोइंग फुल ब्लोन फुलटेरियन क्राइसिस एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इसने जन्म दिया था तो यहां तक हालात खराब हो सकती हैं, ठीक है थीके? और हुई भी है हमारे पास में तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद पढ़िएगा ज़रूर मेहनत करिए क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गया है इधर उधर दिमाग भटकाने में फ़ायदा नहीं है बार बार रिपीटिव अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सिलेबस को अपनी नोट्स को रिवाइज़ करते रहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है तो चलिए नमस्कार सी यू गाइज सोन बाय बाय टेक केयर सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम सेवल्स डे